किसी देने के बाद उसके ऊपर वो स्टेज चेंज हो गई। अब चेंज होने के बाद कोई नई स्टेज आ रही है, हो सकता है वो लैकेसिस की ही हो, तो हम पोटेंशियल बढ़ा देंगे, रिपीट कर लेंगे। हो सकता है कुछ अलग स्टेट आ जाए, वो लैकेसिस वाली स्टेट बदल के पल्सेटिल आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि लैकेसिस बदल के हमेशा पल्सेटिल ही बनेगी, वो ए टू जेड कोई भी स्टेट में चेंज हो सकता है, क्योंकि कभी भी ह्यूमन स्टेट परमानेंट नहीं होती है। जैसे जैसे डिजीज फोर्स बाहर से आके वाइटल फोर्स को डिजीज करेगा, उसी हिसाब से उसके सिम्टम मैनिफेस्ट होंगे, उसी हिसाब से हमारे को सिमिलिमम पर्टिकुलर रेमेडी को चूज करना पड़ेगा, वो ए टू जेड कोई भी हो सकती है। तो उसमें एंटीडोट होने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा जैसे कहा जाता है भाई नक्स होने का दे दो, और जो भी एलोपैथी खा खा के आया, बहुत सारी मेडिटेशन करके आया है, तो नक्स होने का उसको खत्म कर देगी और फिर इलाज शुरू करो, या उसके केस के सिम्टम को उभार देगी, तो सिमिलिमम का सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। पर ऐसा कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? क्योंकि आप कह रहे हो ऐसा हो जाएगा तो उससे थोड़ी हो जाएगा, वो तो नेचुरल लॉ को फॉलो करना है मेडिसिन को। मेडिसिन आपके दिमाग को थोड़ी जानती है, आपके दिल को नहीं जानती है, वो तो नेचुरल लॉ से चलेगी। तो नेचुरल लॉ में वो कैसे हो जाएगा कि भाई ये नक्स दे दो। अब मान लो आपने बहुत सारे क्या सारे एलोपैथिक मेडिसिन खाने वाले लोग नक्स की पर्सनैलिटी में बदल जाते हैं, सारे जैसे नक्स होता है सेंसिटिव होता है, तो क्या सारे ही सेंसिटिव हो जाते हैं? ऐसा तो है नहीं, बहुत से डल हो जाएंगे, किसी की किडनी खराब होगी, किसी का कुछ और होगा, तो वो सारे ही नक्स से कैसे एंटीडोट होंगे? तो उसमें जो भी अगर वो एलोपैथिक दवाई खा के आया है, या किसी नेचुरल वे में डिजीज होके आया है, या आयुर्वेदिक खा के आया है, या अपनी होम्योपैथी की हजारों दवाइयां खा के आया आपके पास, तो आपको उस वक्त भी जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें ये नहीं कंसीडर करना होता है कि एलोपैथ खा के आया है, आयुर्वेदिक खा के आया है, होम्योपैथी खा के आया है, या बिना किसी दवाई के खा के आया है, या किसी नेचुरल कॉज से इसको वाइटल को डिरेंज हुआ, यानी जो डिजीज आई है, तो ये कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जो सिम्टम होंगे, जिस रेमेडी को इंडिकेट कर रहे होंगे, वो रेमेडी उसको एंटीडोट करेगी, चाहे वो मेडिसिनल इफेक्ट है, चाहे पॉइजनल वाला इफेक्ट है, चाहे कोई डिजीज वाला इफेक्ट है। इसलिए आप हैफेजर्डली किसी भी रेमेडी को, किसी रेमेडी ए को रेमेडी बी का एंटीडोट नहीं कर सकते। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है कि भाई इस रेमेडी ने इतना ठीक कर दिया, अब मेडिसिन जैसे मान लो हम कहते हैं कि भाई अब कैल्केरिया कार बैलाडोना की क्रॉनिक है, अब क्या बैलाडोना वाले सारे पेशेंट जो बैलाडोना से सही हो रहे हैं, अगर उनको क्रॉनिक डिजीज चली आ रही है, तो जैसे मान लो ल्यूकोडर्मा चला आ रहा है किसी को, अब इस वक्त आके उसको बैलाडोना पर्सनैलिटी बन गया हो, अब अपने बैलाडोना देने के बाद क्या उसको कैल्केरिया कार से ही वो ल्यूकोडर्मा ठीक होगा? ऐसा तो कभी होता नहीं। तो वो जो बैलाडोना के बाद जो सिम्टम निकलेंगे उसके, उससे ठीक होगा, वो कैल्केरिया हो चाहे सल्फर हो चाहे जिंकम हो। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी का भी कॉन्सेप्ट 100% गलत है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे गलत हैं, ये अपनी अपनी सुविधा और समझ के हिसाब से उन लोगों ने बनाए हैं, उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि इन पे कोई भी जर्नल कॉमन नेचुरल लॉ नहीं लागू होता है। नेचुरल लॉ एक ही है कि जो प्रेजेंट स्टेट जिस मेडिसिन को इंडिकेट कर रही है, वो मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, वो देनी है, वही क्योरेटिव होगी, वही एंटीडोट होगी, वही कॉम्प्लीमेंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि रेमेडी ए फॉलो बी, बी फॉलो सी, या सी फॉलो डी, जैसे हमारे को ट्रायोज बनाए हुए हैं, रेमेडीज कुछ ट्रायोज हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, वो रूल नहीं है, तो जो कुछ केसेस में देखा जाए वो सब पे लागू नहीं होता, उसको आप हाईलाइट नहीं कर सकते। हाईलाइट नेचुरल लॉज को करना है, जैसे लॉ ऑफ सिमिलर, वो नेचुरल लॉ है, वो अटल है, वो किसी के दिमाग की उपज नहीं है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री और ये तो सारी दिमागी उपज है, तो इसके सहारे अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली अपने प्रिस्क्रिप्शन को खराब करेंगे, पेशेंट का भी नुकसान होगा और अल्टीमेट आपका, ह्यूमैनिटी सबका नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत सारा लिटरेचर गड़बड़ है, जो एनवान साहब ने बातें बताई है नेचुरल लॉ उस पे चलना। तो इसलिए आप इनकी परवाह नहीं करो, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी, एंटीडोट
एफिडेविट नहीं, प्रिस्क्रिप्शन देता है। प्रिस्क्रिप्शन हमेशा लॉ ऑफ सिमिलर पे बेस्ड होता है। तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप और रेमेडीज को पूरी तरह से हटा दो। अब दूसरा सवाल आता है, इसी से अगर हम जोड़ते हैं, एक्यूट रेमेडी, क्रॉनिक रेमेडी, चिल्ड्रन रेमेडी, मेल रेमेडी, फीमेल रेमेडी, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड रेमेडी, राइट साइडेड रेमेडी, इससे हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब कोई भी रेमेडी एक्यूट नहीं होती, कोई भी क्रॉनिक नहीं होती, रेमेडी रेमेडी है। बेलाडोना जैसी रेमेडी भी ल्यूकोडर्मा जब क्योर कर सकती है, करती है, हमारे सामने केसेज है, रिकॉर्डेड केसेज है, तो क्या बेलाडोना फिर डीप एक्टिंग नहीं हुई? अब कहा जाता है डीप एक्टिंग मेडिसिन जो होती है उसका मतलब होता है कि बहुत गहराई तक जाएगी और उसकी एक्शन स्लो होगी, तो इसका मतलब है कभी बुखार के केस में आप सॉल्यूशन नहीं दोगे या प्लेटिना नहीं दोगे, ये तो डीप एक्टिंग है हैवी मेटल से।